అయింది. तीन दिन पहले यहाँ पे एडमिट हुए डिलीवरी के लिए हम गवर्नमेंट मेटर्निटी हॉस्पिटल में एक शरीक हुए इलाज के लिए. यहाँ के हमेशा की तरह ये मेटर्निटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही है. उसको दवाएं दिए करे, आखिरी में दर्द शुरू हुए तो जाके डॉक्टर को बोली पेन हो रहा है कर रहा है, वो तो गालियां देके वो खातून को हका ले. उसके बाद बहुत ज्यादा दर्द बढ़ने लगे तो जब आके डिलीवरी करे तो बच्चा मर के पैदा हुआ. तो बच्चे के बाबा का बोलना ये कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चा मर के पैदा हुआ, ये डॉक्टर देख रहे नहीं. अब सुबह में हम आते आधा घंटा लेट सुप्रिंटेंडेंट पूरे डॉक्टर मिलकर आए. हमेशा यही करते कि हमको हम आने के बाद क्या करते, चार्जशीट बनाते, केसशीट बनाते, बना के आगे बोले साहब पेशेंट नहीं थे रात में यहाँ पे, जब हम बुलाए तो उन्होंने नहीं थे, बाहर चले गए थे, बाद में आए, ऐसा है बोलते पेशेंट के ऊपर ही इल्जाम लगते झूठे किसान के. इस वास्ते पुलिस में बच्चा कंप्लेन कर रहा है जिसकी मिसी बीवी की डिलीवरी हुई. हमारा डिमांड है जो स्टाफ से औरतों से जो गाली गलों से बात करते फौज कलामी करते यहाँ के स्टाफ, उन लोगों को फौरी सस्पेंड करो और पुलिस में केस रजिस्टर करके इसकी इंक्वायरी होना, जो भी ड्यूटी डॉक्टर है उसके खिलाफ एक्शन लेकर उसको जेल को भेजना. ये गरीबों का दवाखाना, गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लगे यहाँ पे जो तमाशा देखते रहते, सब गरीबों पे जुल्म करते. पूरे हैदराबाद में सबसे ज्यादा गरीब यहाँ आते और पैसे पे राज कर रही और सबके साथ बदकलामी कर रही. ऐसी हरकत रही तो एक दिन ये लोगों का मुस्तकबिल खराब होने वाला है. लोग एहतजाज करेंगे बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ. गवर्नमेंट इतने करोड़ों रुपए लगाई गरीबों के वास्ते तो इन्हें करने वाले कुछ भी नहीं, उल्टा गवर्नमेंट का नाम बदनाम कर रही. मुझे पुलिस से तवक्को है इसके ऊपर एक्शन लेंगे. आज से चंद महीने पहले भी एक औरत का ऐसी इंतकाल हो गया, जच्चा बच्चा दोनों मर गए, पुलिस में FIR करा. उसमें पुलिस भी आके देख के उस वक्त बोली कि डॉक्टरों की लापरवाही है बोलती. बहरहाल हमारा डिमांड है कि इसके ऊपर एक्शन लेके कार्रवाई करे ताकि उनके मरे हुए बच्चे की माँ को और उसके बाबा को कुछ सुकून मिल सके. अब यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर